नंबर थर्ड रहेगा बीपीएससी 143 राज्य की राजनीति, ठीक है, भारत में राज्य की राजनीति। इसमें जो पहला पॉइंट हमारा 3.3 है, ठीक है, 3.3 है, क्वेश्चन क्या रहेगा मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध बताइए। विधायी का मतलब होता है भाई कानून बनाने को लेकर के, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच में कानून बनाने के लेकर के किस प्रकार के संबंध है, विधायी संबंध यानी विधेयक, विधेयक आप शब्द होगा यानी लो, यानी कानून बनाने के जो एक्ट बनता है, ठीक है, एक्ट बनाने को लेकर के केंद्र राज्यों में किस प्रकार के संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस चैप्टर में से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जा सकता है, यानी केंद्र राज्यों में विधायी संबंध क्या होते हैं, इनकी चर्चा कीजिए या व्याख्या कीजिए, ऐसा पहला एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो इसमें है 3.4 जो है केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के किस प्रकार का उनमें रिलेशन रहता है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा जो इसमें रहेगा 3.5 है केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय संबंध कैसे हैं। वित्तीय संबंध में अगर एक चीज़ में अगर मैं नाम लूँ तो GST नया आया है, ठीक है, आप सबको पता होगा कि वित्तीय संबंध में आप GST को जरूर हेडिंग बना करके, GST कैसा है, उसका प्रारूप कैसा है, ये आप सबको पता होना चाहिए। इसके लिए भी पूरा भारत के संविधान में किया गया है, पूरे भारत के संविधान में संविधान संशोधन किया गया है बाकायदा, ठीक है, ये GST, ठीक है। 3.3 रहेगा केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध बताइए, ठीक है, आगे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान ने संघीय राजनीति की स्थापना की, यानी हमारा जो संविधान है उसका संघीय ढांचा है, ठीक है, संघीय ढांचा है, यानी हमने संघात्मक शासन प्रणाली को अपना रखा, जैसे आपने बीपीएससी 133 में मैंने आपको बताया था, ठीक है, यानी भारतीय संविधान कैसा, हमारा संघात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है, और संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की है। इसने केंद्र और राज्यों के बीच अस्पष्ट और विस्तृत शक्तियों का विभाजन, यानी जहाँ पर भी कह सकते हैं कि जहाँ पर भी संघीय शासन होता है वहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया जाता है, यानी संविधान में लिखा रहता है कि केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या हैं, राज्य सरकार की शक्तियाँ क्या हैं। संविधान के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किए गए हैं जो विधायकी कार्यपालिका और वित्तीय संबंध से होते हैं, यानी संविधान में क्या किया गया है, विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसमें राज्यों और केंद्र को लेकर के, यानी जिन्हें आप संघ भी कह सकते हैं, केंद्र और संघ को लेकर के, कार्यपालिका को लेकर के, वित्तीय संबंधों को लेकर के और विधायी संबंध को लेकर के संबंधित हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 ये संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 45 से लेकर के 255 तक भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का प्रावधान किया गया है, यानी आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक, ठीक है, भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है उनको बताया गया है। संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा किया, यानी संविधान की कौन सी अनुसूची है, संविधान की सातवीं अनुसूची, ठीक है, टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, तो संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें से तीन सूचियों को प्रधानता, यानी तीन जो अनुसूचियाँ हैं वो मुख्य रूप से मानी जाती हैं। पहली सूची क्या है, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सबसे पहले हम देखेंगे राज्य सूची, केंद्र सूची कहिए या संघ सूची, दोनों शब्द का मतलब एक ही होता है, चाहे आप केंद्र लिखो चाहे आप संघ लिखो। पहली जो सूची है जैसे संघ सूची बताया गया है, संघ सूची के विषय पर केंद्रीय सरकार यानी संसद कानून बनाने की शक्तियां शामिल हैं, यानी जो हमारी केंद्र सूची है या संघ सूची जिसे हम बोलते हैं उस पर हमारी संसद यानी केंद्र सरकार उस पर कानून बनाती या उसको कानून बनाने की शक्ति शामिल है। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय यानी 100 विषय शामिल किए गए, संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय, यानी ऐसे 100 टॉपिक्स हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे विदेशी मामले, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन के मामले जो होंगे, संचार, कम्युनिकेशन, नागरिक उड्डयन, ठीक है, विमानन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, रेलवे, अंतर्राज्यीय व्यापार यानी एक देश से एक राज्य से दूसरे राज्य में जो टेक्निक सेक्टर, कॉमर्स को लेकर के या इकोनॉमी को लेकर के, बैंकिंग सेक्टर पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, करेंसी यानी मुद्रा पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, बीमा इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी केंद्र सरकार यानी संघ की सरकार कानून बनाएगी और संघ सूची में उसके प्रावधान किया गया। ये और भी बहुत सारे टोटल 100 टॉपिक्स हैं जिन पर संघ सूची यानी जिन पर हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखिए क्या रहेगा, राज्य सूची क्या होती है, देखो
राज्य सूची के विषय पर शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को दिया गया। देखो यहाँ पर शब्द आया है विधानमंडल, जिसे हम क्या बोलते हैं, काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे बोला जाता है, ठीक है, काउंसिल जो बनाएगी, देखो विधान परिषद और, ठीक है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद को मिला करके क्या बोला जाता है, विधानमंडल। जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा को जब साथ में बोलना है तो हम क्या बोलते हैं, संसद। संसद जब शब्द बोला जाता है उसमें लोकसभा राज्यसभा को अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से जब हम विधानसभा और विधान परिषद बोलना है तब हम विधानमंडल शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हमें सिर्फ विधानसभा बोलना है तब हमें अलग शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जैसे हमने संघ सूची पढ़ा तो क्या संघ सूची में क्या बोला, ये नहीं बोला गया कि हमारी लोकसभा कानून बनाती है, बल्कि क्या शब्द यूज किया गया, संसद कानून बनाती है। उसी प्रकार से जब हम राज्य सूची पढ़ रहे हैं तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, विधानमंडल को है। क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई सात राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधानमंडल दोनों होते हैं, ठीक है, ये दोनों लोग उस पर क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं। देखो केंद्र सरकार तो भैया 100 टॉपिक पर कानून बनाता है, लेकिन जो स्टेट होता है वो सिर्फ 61 टॉपिक हैं। राज्य सूची यानी राज्य कितने पर कानून बनाएगा, ओनली 61 टॉपिक्स पर ही राज्य कानून बनाता है। इसमें पहले कितने सब्जेक्ट थे, पहले राज्य सूची में जब संविधान बना था तो 66 टॉपिक थे, 66 टॉपिक थे, लेकिन अब इसमें क्या कर दिया है, कुछ विषयों को अब क्या कर दिया गया, उसे केंद्र सूची यानी संघ सूची में शामिल कर दिया है, जिन पर अब यानी हमारे केंद्र सरकार कानून बनाती है। कानून और राज्य सरकार किस किस पर कानून बनाएगी, ध्यान सुनना, लाइन ऑर्डर पर यानी पुलिस प्रशासन पर कानून बने, कानून व्यवस्था पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, पुलिस पर, जेल पर, ठीक है, जेल पर भी राज्य सरकार बनाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, भू राजस्व, स्थानीय सरकार, जन स्वास्थ्य, शराब, भूमि, राज्य सार्वजनिक सेवाएं, मत्स्य पालन यानी जो पालते हैं ना, जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, ये जितना ये सारा होता है, जितना हमारा ये पालने वाला काम है, कृषि वाला जो काम है, ठीक है, ये सारा राज्य सरकार कानून आएगी। शराब पर, जेल पर, कृषि पर, स्थानीय सरकारों पर, भूमि पर, पुलिस पर और कानून व्यवस्था पर, जैसे विषयों पर हमारी केंद्र सरकार, सॉरी राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है, इन विषयों पर। अगला जो हमारा रहेगा क्या है, अगला पॉइंट देखिए, समवर्ती सूची, ठीक है, क्या बोलते हैं जिसे, समवर्ती सूची क्या रहेगी, देखिए ध्यान से सुनिएगा समवर्ती सूची को, ये देखिए, ठीक है, समवर्ती सूची जो है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। देखो केंद्र और राज्य दोनों समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पर अपने कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 52 यानी 52 विषयों को शामिल किया गया है। इसमें पहले 47 विषय थे, कितने थे, 47 विषय थे। 92वें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने राज्य सूची के 5 विषयों को इस सूची में मिला दिया गया है, जैसे कौन कौन से, शिक्षा है, एजुकेशन है, वन विभाग है, ठीक है, बिजली है, नाप तौल है, उत्तराधिकार है, श्रमिक संघ है, जैसे महत्वपूर्ण विषय समवर्ती सूची में शामिल किए गए। यदि केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून राज्य के कानून की तुलना में प्रबल होंगे, वही मैंने आपको बोला था, इसी शब्द को मैंने आपको बताया था। अगर मान लो समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना रहा है, केंद्र भी कानून बना रहा है, तो अगर उसमें किसी प्रकार का विवाद होता, केंद्र और राज्य आपस में अगर टकरा जाते हैं, तो उसमें जो राज्य सरकार कानून बनाएगी वह मान्य नहीं होगा, बल्कि केंद्र के जो बनाए कानून होंगे वह प्रबल यानी उस राज्य की तुलना में ज़्यादा मजबूत साबित होंगे, ठीक है। और इसमें कौन कौन से विषय, इनको लिख लेना, अलग से लिख लेना, ठीक है, अगर इनको अलग अलग से टेबल बना के लिखोगे ना तो शायद एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर देगा, ठीक है। कौन कौन से विषय हैं भैया, एजुकेशन मैंने आपको शुरू में बताया था, एजुकेशन है, वन विभाग है, जंगल वंगल वाला, ठीक है, बिजली है, नाप तौल, जो नाप तौल का मतलब होता है जितने भी चीज़ों में मार्केट में जितने भी नाप तौल की जा रही है इनमें, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार का मतलब जिसे गोद वोद लेते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, श्रमिक संघ या जो मजदूर वजदूर वाला होता है, इनको सब में यही कानून बनाएगा, ठीक है, मजदूर इस सारी चीज़ों में इनको ही कानून बनाने का है। राज्य विधायिका का कानून समवर्ती सूची में शामिल किसी भी वस्तु पर एक ही विषय पर संसद कानून से अधिक कायम रहेगा। यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता तो राष्ट्रपति इसे अपनी सहमति प्रदान की हो।
यानी समवर्ती सूची पर जो भी कानून बनेगा उस पर राज्य जरूर कानून बना सकता है, लेकिन राज्य और केंद्र में अगर कोई टकराव होगा तो केंद्र के कानून को ही ऊपर माना जाएगा या उनको ही माना जाएगा। अगली जो सूची है, अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अविशिष्ट शक्तियाँ का प्रावधान है। अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र एवं संसद को दी गई हैं जो तीन सूचियों से अलग विषयों पर कानून बना सकती हैं। इसके अंतर्गत लिबी कर भी शामिल कर ले। देखो एक किया गया है, देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, संविधान बना तो संविधानकर्ता जितने थे तो उन्होंने बता दिया कि भाई राज्य इस पर कानून बनाएगा, केंद्र इस पर कानून बनाएगा। लेकिन आने वाले समय में अगर कोई नया विषय आता है, ठीक है, आने वाले समय में अगर कोई नया विषय आता है तो उस पर कौन कानून बनाएगा, इसी को अविशिष्ट शक्तियाँ बोला गया। कि आने वाले समय में अगर कोई नया सब्जेक्ट आता है, अगर नई चीज़ आती है तो उस पर केंद्र की सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, यानी संघ सरकार हमारी जो होगी वह कानून बनाएगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बताऊँ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम तो इंटरनेट नहीं था ना, साइबर क्राइम तो नहीं होता था ना पहले। अरे 1947 में इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर कहाँ था, वहाँ लोग कहाँ लोगों को मार रहे थे, हड़प रहे थे और धोखाधड़ी चल रहा था, नहीं चल रहा था ना। तो जब देश आज़ाद हुआ तब साइबर क्राइम वराइम तो होता नहीं था, तब तो चिट्ठी पत्री लिखी जाती थी और कानून इंटरनेट और मोबाइल सोबाइल तो होता नहीं था। तो उदाहरण दे रहा हूँ, जब 1947 में जैसे हमारा देश बना तो उस टाइम पर साइबर क्राइम या ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ और काफ़ी समय के बाद जैसे इंटरनेट आया, तो जैसे संचार कम्युनिकेशन पर जो कानून बनाती है वो हमारी केंद्र सरकार ही कानून बनाती है, राज्य सरकारें इस पर कानून नहीं बनाती। वही मैं एग्जाम्पल तौर कह सकता हूँ कि एक अवशिष्ट शक्ति यही है भैया, कि जब देश आज़ाद हुआ तब तो इंटरनेट तो था नहीं, साइबर क्राइम होता नहीं था, लेकिन अब तो होता है ना, तो अब समय आ गया ना। उसी को बोला जाता है कि फ्यूचर में या भविष्य में अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है, अगर कोई नया टॉपिक हमारे सामने आता है तो उस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, इसी को बोला जाता है अविशिष्ट शक्तियाँ। यानी अगर नया टॉपिक आएगा तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। ठीक, अगला नेक्स्ट देखिए, राज्य विधान परिषद पर केंद्र का नियंत्रण, इसको क्या बोला गया है। राज्य की जो विधान परिषद है ना उस पर केंद्र का नियंत्रण रहेगा। राज्य सरकारों को बहुत ज़्यादा छूट नहीं दी गई है, ये नहीं है कि राज्य सरकारें मनमानी ढंग से कुछ भी करेंगी, ऐसा थोड़ी अपनी बाउंड्री से या किसी देश से बात करेंगी, ऐसा थोड़ी ऐसा होने लग जाएगा तो पता नहीं कितनी राज्य सरकारें दूसरे देश में जा कर के मिल जाती। ठीक है, देखिए ये क्या बताया गया, यानी राज्य विधान परिषद पर, ठीक है, यानी राज्य की जो विधानसभाएं हैं उन पर केंद्र का सीधा नियंत्रण रखा गया है। ठीक है, देखो केंद्र और राज्य के बीच उपयुक्त शक्तियों के वितरण का पालन सामान्य परिस्थितियों में किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार कुछ निश्चित परिस्थितियों में राज्य पर वर्चस्व कर सकती है। संविधान केंद्रीय संसद को आपात स्थिति में राज्य सूची में विषयों को शामिल करने का अधिकार। देखो अगर हमारे देश में कहीं कभी इमरजेंसी लगती है या केंद्र सरकार को लगता है कि उस राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो यानी केंद्र सरकार वहां की सरकार को निरस्त कर सकती है। या सरकार अगर मान लो जैसे आपातकाल लग गया था, इस देश में इमरजेंसी लगी थी, आप सबने सुना होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी, और जब इमरजेंसी लगी तो सारी राज्य सरकारें निरस्त हो जाती हैं, यानी जो सारी शक्तियां होगी वो केंद्र सरकार में आ जाती। या अगर गृह युद्ध की स्थिति आती है या किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो राज्य सरकार के जो विषय होंगे उन सभी विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ऐसा रूल किया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 249 के अनुसार, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग या अनुसार कह सकते हैं, राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत के अनुरोध से एक प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। क्या कह रहे हैं, राज्यसभा, ठीक है, जैसे लोकसभा लोगों का नेतृत्व करती है उसी तरह राज्यसभा राज्यों का नेतृत्व करती है, यानी राज्य के लिए। देखो जो हमारी राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा अगर कोई विषय है, ठीक है, अगर आप आमने सामने तो शायद मुझे ज़्यादा बताने में आसानी होती है। देखो ठीक है कि जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई विषय है उस पर राज्य सरकार कानून बनाता है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि इस विषय पर अब राज्य कानून नहीं बनाएगा, अब केंद्र कानून बनाएगी, तो उस पर क्या होगा, अब केंद्र सरकार कानून बनाने लग जाएगी। ठीक है, देखो कोई भी अगर विषय राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है तो केंद्र सरकार ऐसे कानून नहीं बना सकती जब तक राज्यसभा उसको 2/3 बहुमत से, ठीक है, 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देगी
तो उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ऐसा कानून जो संसद द्वारा बनाया गया है वह 1 साल तक जारी रहेगा, हालांकि यदि आवश्यक हो तो इसे 1 अवधि के लिए तक भी बढ़ाया जा सकता है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी राज्य जो राज्य है, राज्य की शक्तियों, राज्य के कानून में, ठीक है, जिस पर राज्य कानून बनाता है, अगर उसको राज्यसभा आगे एक्सटेंड कर देती है या पारित कर देती है कि इस पर अब केंद्र कानून बनाए, तो केंद्र कानून बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 में संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे देगा। आर्टिकल 255 कहता है कि अगर देश में आपातकाल लग जाता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के सभी विषयों पर कानून बनाने का उसे अधिकार प्राप्त हो जाएगा। हालांकि संसद का कानून इस प्रस्ताव के तहत आपातकाल के 6 महीने के उपरांत काम करना बंद कर देगा, यानी केंद्र सरकार सिर्फ राज्य सरकार को निरस्त करके या आपातकाल लगा करके सिर्फ 6 महीने तक उस पर कानून बना सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। इसके बाद जो वह होगा वह आयात आपातकाल वो कानून निरस्त हो जाए। राज्य विधायिका द्वारा एक ही विषय पर कानून बनाने की शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं है। हालांकि राज्य कानून और संसद के कानून के बीच में सहमति के मामले में केवल संसद कानून प्रबल होंगे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आपात स्थिति लगती है, जैसे इमरजेंसी इस देश में लगी थी, तो इमरजेंसी के टाइम पर केंद्र सरकार ही राज्य सरकारों के विषयों पर ही कानून बनाएगी, राज्य किसी विषय पर कानून नहीं बना सकता है। लेकिन राज्य ऐसी परिस्थितियां केवल 6 महीने तक हो सकती हैं, 6 महीने से ज़्यादा ऐसी स्थिति को नहीं माना जाएगा या कंसिडर नहीं किया जाएगा या मान्य नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 252 के तहत यदि 2 या 2 से अधिक राज्य की विधानसभा के अनुरोध पर एक विषय पर कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव मध्य से केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय में जो राज्य के लिए उपयोगी है, संसद ऐसे कानून बना सकती है। अगर 2 राज्य सरकारें हैं, ठीक है, अगर 2 राज्य सरकारों में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, किसी प्रकार का लड़ाई हो जाता है और वह केंद्र से या संसद से रिक्वेस्ट करती हैं आप इस पे कानून बनाएं, तब हमारी केंद्र सरकार क्या करेगी, उस पर कानून बनाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, संविधान के अनुच्छेद 253 संसद को यह अधिकार देता है कि वह संपूर्ण भारत के किसी भी क्षेत्र का कोई भी हिस्सा किसी भी देश के साथ सम्मेलन या किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लागू करने के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। यानी भारत की जो सरकार है, ठीक है, भारत की सरकार को इतना पावर दिया गया केंद्र सरकार को, वह कहीं भी किसी भी समय भारत के किसी भी हिस्से पर अपने कानूनों को बना सकती है और अपने कानूनों को लागू कर सकती है या उन कानूनों को लागू करवा सकती है। नेक्स्ट जो रहेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार की सूचियों पर कानून बना सकती है। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है, यानी वहां पर गवर्नर रूल लग जाता है, तो क्या होगा, जो हमारी राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार के कानूनों पर संसद यानी संसद क्या करेगी, संसद को कानून बनाने का अधिकार हो जाएगा और वहाँ पर भारत की जो संसद होगी वो डायरेक्ट उस पर क्या कर सकती है, अपने कानूनों को बना सकती है और अपने रूलों को लागू करवा सकती है और उसको कानून बनाने का स्वतः अधिकार प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था वो समाप्त हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या रहेगा, केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध बताइए, यानी केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासन को लेकर के कौन कौन से संबंध हैं, प्रशासनिक संबंधों की चर्चा कीजिए। देखो, भारत के संविधान ने एक मजबूत केंद्र सरकार के साथ साथ कई अन्य एकात्मक विशेषताएं भी हैं, यानी भारत की अगर बात करें, हमारा जो संविधान है वह एक मजबूत केंद्र सरकार की बात करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट फुल यानी मजबूत केंद्र सरकार की बात करता है और उसमें एकात्मकता की विशेषताएँ भी हैं। सामान्य परिस्थितियों में राज्य सरकारें अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार में ही करती हैं, यानी सामान्य अगर परिस्थिति है तो राज्य सरकारें जो होंगी वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं, अपने क्षेत्राधिकार में करती हैं। केंद्र सरकार कार्यपालिका शक्तियां पूरे देश को कवर, यानी केंद्र सरकार की जो कार्यपालिका होती है वह पूरे देश में शक्तियों को कवर करती है, यानी लागू कानून कर सकती है। उसी तरह राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्य सूची में शामिल विषयों से संबंधित होती हैं, यानी जो हमारी केंद्र सरकार है वह केंद्र की विषयों पर कानून बना सकती है और पूरे देश को कवर करती है। उसी प्रकार से जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं वह राज्य सूची के विषयों पर शामिल विषयों में कानून बनाती हैं। हालांकि केंद्र सरकार
राज्य की कार्यपालिका शक्तियों पर कई तरह से नियंत्रण रखती है। फिर भी कह सकते हैं कि राज्य को जरूर अधिकार दिए गए हैं, फिर भी हमारी जो केंद्र सरकार होती है वह कार्यपालिका की शक्तियों को कई तरह नियंत्रण यानी राज्य की शक्तियों को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है या उनको अपने नियंत्रण में रख सकती है। जैसा कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों में दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार आर्टिकल 162 में क्या बोला गया है के अनुसार केंद्र सरकार की कार्यपालिका की शक्तियाँ सभी विषयों तक विस्तृत हैं जिन पर संसद कानून है, यानी केंद्र सरकार जो है वह कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो बहुत विस्तृत हैं, बहुत बड़ी हैं संसद की, जिन पर संसद कानून बना सकती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ केंद्रीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रयोग किया जा सकता है। अब हम इस पर चर्चा, यानी देखो राज्य कानून बना सकता है, राज्य लॉ बना सकता है, कानूनों को बनवा सकता है, ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार की मनमानी ढंग से राज्य कभी भी नहीं बना सकता है और केंद्र सरकार को टकराव के साथ कभी भी कानून नहीं बना सकता है, ठीक है, इस प्रकार से नहीं। फिर भी क्या होता है कि राज्यों को अधिकार हमारा संविधान जरूर देता है, लेकिन ऐसा नहीं देता है कि वो मनमानी ढंग से अपनी मनमानी करें या कुछ भी कानूनों को बनाएं, इस प्रकार के उनको नहीं। पहला पॉइंट क्या है, राज्य को केंद्र का दिशा निर्देश है, क्या है, राज्यों को केंद्र का क्या दिशा निर्देश है यानी क्या गाइडलाइंस दी जाती है। देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा प्रयोग किए गए कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया, यानी अनुच्छेद 256 कहता है कि अगर केंद्र की संसद कोई कानून बनाती है तो सभी राज्यों को उन कानूनों को मानना पड़ेगा। क्या है, संसद अगर कोई भी कानून बनाती है तो सभी राज्य सरकारों को उनको मानना पड़ेगा। अनुच्छेद 257 केंद्र सरकार के उस राज्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश का अधिकार देता है, यानी आर्टिकल 257 कहता है कि अगर केंद्र सरकार कोई दिशा निर्देश देती है तो राज्य को उन दिशा निर्देशों को मानना ही पड़ेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय और सैन्य महत्व से संबंधित संचार के लिए दिशा निर्देश का अधिकार है। अगर केंद्र सरकार कोई भी राष्ट्रीय या सैन्य महत्व को लेकर के अगर केंद्र राज्य सरकार को कुछ कहती है तो उसको वह मानना पड़ेगा। संविधान में इसका पालन न करने के निहितार्थ में राज्य सरकार को दिशा निर्देश बताया गया, अनुच्छेद 365 में बताया गया है, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है तो वहाँ राष्ट्रपति माना सकता है या राज्य द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाने में समर्थ होगा। अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की शक्तियों का या केंद्र सरकार की बातों का अनुपालन नहीं करती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा शक्तियों को लागू किया जा सकता है या राष्ट्रपति के जरिए शक्तियों को लागू करवाया जा सकता है। नजीतन यह होता है कि उस अनुच्छेद के अंतर्गत 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगर कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानूनों को नहीं मानती है तो क्या होगा, वहां पर राष्ट्रपति शासन। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, हमारे देश में कोरोना फैला ना और मोदी जी टीवी पर आए थे, टीवी पर बोले कोई बाहर मत निकलना, कहीं पर ना जाना, रात के 12 बजे से पूरा हो जाएगा, जैसे नोटबंदी थी, ये सारे कानूनों को देश में एक झटके में अगर कोई लागू करता है केंद्र सरकार करती, यानी केंद्र सरकार को इतनी शक्तियाँ दी गई हैं कि राज्य सरकारें उन कानूनों की मनाही नहीं कर सकती। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं उन्होंने रात के 12 बजे इस देश में क्या लगा दिया था, पूरा लॉकडाउन लग गया था हमारे देश में, नोटबंदी देखा होगा एक झटके में इस देश में लग गई। क्यों लग गई, कौन सा कानून था, तो यही आर्टिकल उनको जो शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल जो उनका 156 के अनुसार और 257 ही तो कहता है और 162 में इन्हीं चीज़ों को बोला गया। आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 256, आर्टिकल 257 और आर्टिकल 162 में इन चीज़ों को बोला गया है कि हमारी जो केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार के कानूनों को राज्य मना नहीं कर सकता है। अगर उनको केंद्र कोई दिशा निर्देश देगा तो राज्य उसको मना ही नहीं कर सकते हैं। अगर मना करेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, यानी उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसको देखिए अनुच्छेद 252 के तहत भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है
इमरजेंसी की घोषणा करने का अधिकार है। यह आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के खतरे में, जो आपातकाल लगेगा वो कोई बाहरी आक्रमण हो गया है कहीं पर, भैया युद्ध हो गया या किसी देश के साथ भारत की लड़ाई हो रही, युद्ध हो रहा है, तो ऐसे समय में पूरे देश में आपातकाल लगाया जाएगा और ऐसे समय में सभी राज्य सरकारें निरस्त हो जाएंगी। सिर्फ केंद्र के कानून ही सर्वमान्य होंगे, केंद्र ही क्या करेगा, सभी कानूनों को बनाएगा या उनको लागू करेगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र के पास राज्य के दिशा निर्देश देने का कार्यकारी शक्ति है कि किस तरीके से कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक मिशनरी खतरे में पड़ती है तो संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत केंद्र उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अगर कोई राज्य सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है तो आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है और वहाँ की सारी शक्तियों पर डायरेक्ट केंद्र जो होगा यानी संसद उस पर कानून बनाएगी। इस अवधि के दौरान संघ सरकार राज्य मिशनरी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, यानी इस दौरान जो राज्य संघ सरकार होगी राज्य की सभी शक्तियों को अपने नियंत्रण में ले लेगी, कंट्रोल में ले लेगी। राष्ट्रपति ब्रेकेट में जैसे इन्होंने लिखा, अर्थात केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी भी कार्य में संभाल सकती है, यानी अब सीधा जो कार्य करेगी वो कौन करेगी, केंद्र सरकार सभी भी कर सकती है। भारत के लगभग सभी राज्यों में राष्ट्रपति शासन के तहत रखा गया है। यह भारतीय संविधान के सबसे विवादास्पद और सबसे दुरुपयोग प्रावधानों में से एक है। विडंबना यह कि 4 अगस्त 1949 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में यह अनुमान लगाया था कि ऐसे अनुच्छेदों को बने रहेंगे जैसे जिनको बोला था। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग नेहरू की सरकार के समय ही शुरू हो गया था और आगे भी जारी रहा। नेहरू ने गोपी चंद गरबा ने की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दिया था, हालांकि उनके पास विधान सभा में बहुमत था। एक हाँ रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि राज्य सरकार को निरस्त कर सकता है, कौन कर सकता है, केंद्र सरकार कर सकती है। जैसे इसको बी आर अम्बेडकर ने भी बोला था जब हमारा संविधान बना था कि उन्होंने बोला था एक कानून थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि क्या बोला गया है कि जो केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार किसी भी राज्य सरकार को निरस्त कर सकती है। इसी को बोला जा रहा है कि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता, जब पंडित नेहरू थे उसी टाइम से ही पंजाब सरकार को निरस्त कर दिया था, जबकि पंजाब सरकार को पहले से ही बहुमत प्राप्त था। यानी यह कहने का मतलब है इसका दुरुपयोग भी बहुत किया जाता है, राष्ट्रपति शासन जबरदस्ती कहीं पर लगा दिया जाता है, ऐसी भी कई बार इस देश में देखने को मिला है, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें इस देश में होती रही। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि केंद्र सरकार को इतना अधिकार है कि वह आर्टिकल 356 के तहत किसी भी राज्य की सरकार को निरस्त करके वहाँ की जो संविधान शक्तियाँ हैं वो अपने कंट्रोल में लेकर के वहाँ पर कानून बना सकती है और कानूनों को लागू करवा सकती है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र से राज्यों की शक्तियों का प्रयोजन। देखो राष्ट्रपति राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को विशिष्ट कार्य सौंप सकते हैं, यानी राष्ट्रपति जो हैं राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उसको कोई ना कोई काम दे सकते हैं जिसके लिए संघ के कार्यकारी शक्तियां कुछ शर्तों के साथ बिना शर्त के विस्तार से हो सकती हैं। देखो पहला क्या, राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। यानी केंद्र सरकार क्या करेगी, राष्ट्रपति के जरिए एक राज्यपाल की नियुक्ति करती है जो राज्य के पूरे नियंत्रण को क्या करेगा, उसको देखेगा, यानी राज्य सरकार सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक, कर रहे हैं। देखो राज्यपाल भारत जो राज्य के संघ का है, यानी राज्यपाल जो भारत राज्य यानी संघ के द्वारा भेजे जाएंगे, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल केंद्र के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, यानी जो राज्य गवर्नर होता है वह केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर क्या करता है, काम करता है, वह केंद्र सरकार के रिपोर्ट भेजता है। इसी प्रकार केंद्र राज्यपाल के ऑफिस के माध्यम से राज्य पर नियंत्रण करता है। राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जिन्हें वह इस्तेमाल करता है। ये विवेकाधीन शक्तियाँ भिन्न मुद्दों पर अधिक सामान्य, जैसे आम चुनाव के बाद सरकार का गठन, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन करना, विशेषकर जब किसी भी राजनीतिक दल को विधानसभा में बहुमत का जनादेश ना मिला हो, विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए समय निर्धारण करना, भारत के राष्ट्रपति के लिए बिलों को भेजना आम सहमति। देखो क्या बताएं, राज्यपाल जो है जैसे किसी राज्य में ना सरकार बन जाती है तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा उसको शपथ भी दिलाता है, ठीक है, उसको शपथ भी दिलाएगा, मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा, मुख्यमंत्री को क्या करता है, शपथ दिलाता है, सारे वो काम करता है, ठीक है। अगर किसी राज्य में, अभी महाराष्ट्र में आप सबने सुना होगा ना कि महाराष्ट्र की सरकार गिर गई ना,
वहाँ पर जो उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई और वहाँ पर बीजेपी के साथ एके नाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब वहाँ पर फ्लोर टेस्ट करना था यानी बहुमत परीक्षण, यानी किस पार्टी के साथ मेजोरिटी है, इसको बहुमत परीक्षण करने के लिए भी क्या करेगा, राज्यपाल ही दिशा निर्देश देगा किस दिन होगा, कब होगा। और राज्यपाल जो है वह केंद्र सरकार का एजेंट होता है और राज्य में काम सही से हो रहा कहीं नहीं हो रहा ये सारी जानकारी वो क्या करता है, डायरेक्ट केंद्र सरकार को देता है। यानी केंद्र सरकार भी राज्यों पर एक एजेंट के जरिए उसकी निगरानी को किया जाता है, इसको भी इसमें किया गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा इसमें क्या रहेगा, देखिए अंतर्राज्यीय जल संसाधन या राष्ट्रीय राजमार्ग, संसद राष्ट्रीय राजमार्ग या जल मार्ग की घोषणा कर सकती है। देखो भारत की संसद ना कहाँ पर रोड बनाना है, कहाँ पर नदी जाएगी, कहाँ पर पानी जाएगा, इस सब की घोषणा संसद ही करती है, सड़क बनने की घोषणा। राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी बनेगा, ठीक है, जिसे हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, इस सब का पूरा जो प्रारूप होता है वह संसद बनाएगी यानी केंद्र सरकार ही बनाती है। जल मार्ग की भी घोषणा केंद्र सरकार ही करती है। अनुच्छेद 262 जल एवं अंतर्राज्य नदी एवं घाटी से संबंधित है। संसद दो राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवादों में नियम और कानून, अगर दो राज्य को लेकर, आपने सुना होगा कि हरियाणा पंजाब को लेकर भी पानी का मुद्दा है, उधर आप सुना होगा कि कर्नाटक को लेकर को तमिलनाडु को लेकर के कृष्णा गोदावरी विवाद है, हरियाणा और पंजाब में देखो यह सॉयल का मुद्दा है, तो कई सारे राज्यों के बीच में पानी को लेकर के लड़ाई रहती है। इन समस्या का समाधान भी कौन करेगा, केंद्र सरकार ही करेगी। यानी अगर दो राज्यों के बीच में जल संकट या पानी को लेकर के अगर लड़ाई और झगड़ा है तो केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट रहेगा उसमें ध्यान से देखिए, उसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 के अनुसार भारत का संविधान राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार देता है जो राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को निपटाने एवं उसकी जांच करेगी। यानी देखो अगर राज्यों के बीच में कोई भी क्या होता है, अगर कोई भी विवाद होता है तो राष्ट्रपति वहां पर क्या करते हैं, एक कमेटी का गठन कर सकता है जो वहां की जांच करेगी। इसका अन्य कार्य है जो विषयों की जांच पड़ताल करना, चर्चा करना, राज्य एवं केंद्र दोनों को समान हित हों और इन विषयों पर उसकी सिफारिश देना पर अहम सहमति हो सकती है। यानी अंतर्राज्य यानी राज्य में अगर कोई विवाद होगा तो वहां पर एक कमेटी बन सकती है, केंद्र सरकार के द्वारा बनेगी। नेक्स्ट जो हमारा रहा, अखिल भारतीय सेवाएँ, क्या हैं अखिल भारतीय सेवाएँ, केंद्र और राज्य दोनों अखिल भारतीय सेवाओं को नियंत्रित करती हैं, IAS, IPS, IFS, लेकिन केंद्र इन सेवाओं पर सीधा नियंत्रण रखती है जबकि राज्यों को इन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। यानी राज्य के पास भी कर्मचारी होते हैं लेकिन उनका नियंत्रण कम से कम होता है, लेकिन इन पर जो नियंत्रण होता है वह ज़्यादातर जो नियंत्रण होता है हमारी केंद्र सरकार ही करती, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनके पास का ही पूरा प्रोविजन होता है और पूरी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय संबंध को बताइए, ठीक है। यानी केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय यानी पैसे वैसे को लेकर के कैसे संबंध है, ठीक है, इसकी बात की गई। इसमें GST को जरूर लिख करके आना है, GST, नीति आयोग, वित्त आयोग, ये सारी चीज़ें, कई सारी एजेंसियाँ बनी, जैसे नीति आयोग बना है तो ठीक है, नीति आयोग में क्या है, सभी देशों के मुख्यमंत्री हैं, फिर उसमें प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, एक आयोग बना है, ठीक है, नीति आयोग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, 2014 में इसको बनाया गया था, ठीक है, ये बनता है। GST एक नया रूल है कि जो सारा, देखो GST है क्या, सिंपल सी अगर मैं बताऊँ ना, देखो जितना भी पैसा होगा, ठीक है, जितना भी पैसा होगा वह डायरेक्ट केंद्र के पास, जितना भी टैक्स होता है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास आएगा, फिर केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्यों का जो हिस्सा होगा वो बांट देगी, ये बताया गया है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी खरीदते हो सब पर टैक्स लगता है, ठीक है, इस देश में एक गरीब भी अगर एक माचिस भी खरीदता है तो उस पर भी टैक्स ही लगता है, भिखारी भी वो भी टैक्स देना पड़ता है, यानी सब टैक्स तो सब दे रहे हैं, ठीक है, इस देश में जो टैक्स है, ठीक है, अब सारा जो टैक्स होगा केंद्र सरकार, उसे तो बोलते हैं एक देश एक टैक्स, एक देश सारी चीज़ें, एक देश एक चुनाव, ऐसी बातें नहीं करते हो बीजेपी वाले, ठीक है। तो वही बताया गया है कि GST में क्या है कि सारा जो टैक्स कलेक्शन होगा वह केंद्र सरकार करेगी और राज्यों को उनका जो जितना परसेंटेज बनता है उनका बांट देती है, ये GST है। GST जो है 2017 में इसको लाया गया था, ठीक है, इसको कब लाया गया था, और पहले ही GST का विचार बहुत पहले आ गया था। नीति आयोग जैसे मना इन्हें बता दिया, नीति आयोग क्या है कि पूरे राज्यों की
और केंद्र सरकार की एक आयोग है जो क्या करता है कि आर्थिक मामलों को देखता है, आर्थिक मामले कैसे हैं उनका काम करता है, ठीक है। जैसे केंद्र और राज्य वित्त संबंध किस प्रकार से, इन ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो, विधायी स्वायत्ता के बिना संघीय इकाइयों की राजनीतिक स्वायत्ता अधूरी है। भाई कह रहे हैं विधायी स्वायत्ता के बिना, जब तक हम राज्यों को, केंद्र और राज्यों को पैसे कौड़ी में यानी विधायी स्वतंत्रता नहीं देंगे, तब तक उनकी आज़ादी अधूरी है। अगर किसी आदमी को तुमने बहुत आज़ादी दी है, रुपए पैसे की आज़ादी नहीं है, तो उसकी कोई आज़ादी नहीं रहेगी, उनकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जब तक राज्यों को वित्तीय आज़ादी नहीं मिलती है, तब तक वह अधूरी है। लेकिन राज्य के वित्तीय संसाधनों के बंटवारे में संविधान में प्रावधान है। यानी राज्य और केंद्र में वित्तीय जो संसाधन होंगे उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, इसका प्रावधान भी संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 268 एवं 293 में संविधान के आर्टिकल 12 में केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित, यानी संविधान में आर्टिकल 12 में, संविधान के भाग 12 में क्या किया गया है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों को बताया गया। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता सिवाय कानूनी प्रावधानों के अनुसार। यानी केंद्र और राज्य सरकार कि अपने देश के नागरिकों पर ऐसे मनमानी ढंग से कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती, उसके लिए सबसे पहले कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है। संसद को केंद्र सूची में शामिल विषयों पर कर लगाने का अधिकार है, जब राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार को है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। कराधान का अवशिष्ट शक्तियों केवल संसद के पास है। संविधान के अनुच्छेद 101 संशोधन में 2016 में GST की शुरुआत की गई से पहले कराधान केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित थे। देखो 2016 से पहले ना जितना भी टैक्स लगता था ना, उसमें केंद्र सरकार का पैसा और राज्य सरकार का पैसा अलग अलग रहता था, दोनों अलग अलग पैसों को लेती थी। अगर किसी आपने अगर कहीं पर ना अगर पैसे दिया होगा ना, जैसे आपने कहीं पर बिल कटवाया होगा, उस बिल को अगर आपके पास पड़ा होगा, ध्यान से उस बिल को जाकर देखना, उसमें दो चीज़ लिखी रहती, समझाने के लिए बता, उसमें एक लिखा रहता CGST, ठीक है, क्या लिखा रहेगा CGST, और एक दूसरा शब्द लिखा रह जाता है SGST, ठीक है। CGST का मतलब था सेंटर GST के, यानी राज्य सरकार कितना इसमें टैक्स ले रही है, और SGST का मतलब होता है राज्य सरकार इस पर कितना टैक्स ले रही है। यानी अब जो टैक्स का सिस्टम है, स्लोट है, पूरी तरीके से बदल चुकी है। राज्य और केंद्र का दोनों एक साथ लगता है, सारा पैसा केंद्र के पास जाएगा। फिर क्या करेगा भैया, केंद्र राज्यों का जो हिस्सा होगा, उनको जो होगा उनको फिर बांटता है। इस GST का पूरा प्रारूप सिंपल शब्दों में अगर बोलोगे तो GST यही है, ठीक है। इसको किया गया है 2016 में GST की शुरुआत की गई। कराधान केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। संविधान अनुच्छेद एवं राज्यों के बीच लेवी राज्य नियंत्रण कानून, संविधान के अनुच्छेद 268 268A 269 यानी 270 271 में दिए गए हैं। संविधान के 101 संविधान संशोधन में केंद्र और राज्य के कर जैसे शुल्क, उत्पाद, सेवा शुल्क, बिक्री, प्रवेश कर, मनोरंजन को बल दिया गया। यानी सभी चीज़ों पर क्या कर सकता है, केंद्र सरकार ही टैक्स को लगाएगी और बाद में, ठीक है। अब ज़्यादातर जो टैक्स लगाने का प्रावधान है वह केंद्र सरकार के पास ही है। सबसे पहले अनुदान सहायता क्या है, राज्य सरकार क्या करती है, केंद्र सरकारों को अनुदान सहायता देती है, यानी अगर कोई भी समस्या उनको क्या देगी, लोन देने का काम करती है, ठीक है। राज्यों के साथ राजस्व साझा करने के अलावा केंद्र जरूरतमंद राज्यों को अपने संसाधनों से अनुदान देती है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संविधान में इस संबंध में संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुमति दे सकता है। केंद्र इस श्रेणी के तहत राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित अनुदान देता है, ठीक है। अगर किसी राज्य को रुपए पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, अगर किसी भी स्टेट को पैसे की ज़रूरत है तो राज्य को ज़रूरत है तो केंद्र सरकार उसको अनुदान सहायता देती है, यानी उसको कुछ पैसे की मदद कर सकती है। अगला वित्त आयोग की बात करते हैं। वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यानी एक संवैधानिक संस्था है जिसका सृजन केंद्र राज्यों की वित्तीय संबंधों के सुझाव को देता है, खासकर केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण की सिफारिश देता है। अनुच्छेद 280 में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह वित्त आयोग की नियुक्ति करें व सिफारिश करें। केंद्र राज्यों के बीच करों का विवरण संचित निधि के राज्यों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। देखो क्या किया जाता है, वित्त आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच उन चीज़ों का बंटवारा कैसे किया जाएगा, ठीक है,
केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, वित्तीय बंटवारा कैसे किया जाएगा, इसका वित्त आयोग इसकी सिफारिश देता है और इसके लिए काम करता है। ठीक है, पहले वित्त आयोग था और वित्त आयोग के बाद अब क्या बना, नीति आयोग बन गया, क्योंकि जब 2014 में मोदी सरकार आई थी उसने वित्त आयोग को हटा करके एक नया आयोग बना जिसका नाम क्या बोलते हैं, नीति आयोग, यानी नीतियों को बनाता है, यानी वित्तीय नीतियों को बनाने का काम करता है। देखो, केंद्र सरकार ने 2014 में कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा एक योजना आयोग को भेजकर हटा दिया, यानी योजना आयोग हट गया है, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता, यानी नीति आयोग क्या देता है, राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देना है, जिसमें राज्यों को सहयोग आवश्यक है। देखो, हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा भैया जब राज्य सरकारें भी सहयोग करेंगी, जब राज्य सरकारें भी सपोर्ट करेंगी, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। यानी राज्यों को भी हमें साथ लेकर के चलना पड़ेगा, इसलिए नीति, यानी ये राज्य के विकास के लिए काम करता है, जिस यानी देश के विकास के लिए काम करता है नीति आयोग विकास के लिए, तो उसमें राज्यों का भी सहयोग जरूरी है। नियोजन समर्थन पहल एवं तंत्र के माध्यम से सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देना, आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में राज्यों की भागीदारी को इसमें बढ़ावा देना शामिल है। यानी राज्यों की किस प्रकार भागीदारी रखी जाएगी, इनको काम दे, यानी आर्थिक भागीदारी में, ध्यान सुना, आर्थिक भागीदारी में राज्यों को भी शामिल करना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारा देश डेवलप करेगा। यानी राज्यों को भी इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है और राज्यों को भी इसमें पार्टिसिपेट उनका क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें वर्तमान घटनाक्रम है और पूरी तरीके से जीएसटी वाला जो फार्मूला है, वर्तमान घटनाक्रम में अगर आपको बताऊं, जीएसटी का जो विचार है कोई हालिया विचार नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी का विचार पेश किया था और वर्ष 2000 में एक समिति का गठन किया जिसने भारत में जीएसटी का डिजाइन का आकार किया। 2013 में भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तराधिकार बजट प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। इस टास्क फोर्स ने सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक कर योजना लागू करने की सिफारिश की, मौजूदा कर योजना को हटाने की सिफारिश की या केंद्र की। देखो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे देश में सन 2000 में बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था, जीएसटी लाने का काम किया था। ठीक है, जीएसटी को लाया था, जीएसटी लाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक योजना टास्क फोर्स बनाई थी जिसने बोला था कि प्रेजेंट टाइम में जो कर प्रणाली उसको हटा दिया जाए, उसकी जगह पर जीएसटी लाना चाहिए, इसने सिफारिश की थी और उन्होंने बताया था कि इसे लाना है, जरूरी है। फिर क्या होता है कि वाजपेयी की सरकार चली जाती है और 10 साल यहाँ पर कांग्रेस सरकार की मनमोहन सरकार आती है तो उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जब फिर मोदी की सरकार आती, बीजेपी की सरकार आती है, तब बीजेपी क्या करती है, उस जीएसटी को लाने का काम करती है। ठीक है, और संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी अगर कर लगेगा, ठीक है, कोई भी टैक्स लगेगा तो संविधान में उसका प्रावधान करना बहुत ज़रूरी है, बिना कानूनों को बनाए कहीं पर भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए कानून बनाया गया। 2016 में संविधान में 101वां संशोधन किया गया और इसमें जीएसटी को लागू करने की योजना को बनाया गया और इसमें जीएसटी को लागू किया गया। फिर जीएसटी के लिए एक परिषद की बनाई गई, जीएसटी परिषद का निर्माण किया गया जो पूरी तरीके से जीएसटी को कंट्रोल करती है और पूरी तरीके से पैसे का लेन देन कैसा होगा, फिर बाद में राज्यों के साथ उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, इसको जीएसटी परिषद की संरचना में इस चीज़ों को, सभी चीज़ों को उनको क्या किया गया, शामिल किया गया है। ठीक है, केंद्र राज्य को संबंध सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, ठीक है, ये भी इसमें आपका रहेगा, इसको भी देख लेना, वैसे इतना ज़्यादा नहीं रहता है, वैसे भी आपको पता है केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया, यानी केंद्र और राज्य में जिस प्रकार के संबंध हैं उन संबंधों को किस प्रकार से सुधारा जाए, उन संबंधों को किस प्रकार से, जैसे संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा राष्ट्रीय आयोग के द्वारा की जाएगी, संविधान की जो कार्य प्रणाली है, संविधान कैसे काम कर रहा है, उसकी कार्य प्रणालियाँ कैसे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए क्या किया गया है, एक आयोग का भी गठन किया जा सकता है, एक आयोग भी बन सकता है और उन आयोगों के जरिए क्या किया जा सकता है, उन आयोगों के जरिए भी इनकी कार्यप्रणाली को देखा जा सकता है और इसकी कार्यप्रणाली का क्या किया जा सकता है, गठन भी किया जा सकता है। उसके बाद जैसे इसमें क्या है, मदन मोहन पुंछ आयोग, ये क्या बना था, मदन मोहन पुंछी आयोग जो था 2007 में बना था, भारत सरकार ने केंद्र सरकार राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन की अध्यक्षता में आयोग गठित किया था जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जांच करता है। इस आयोग की विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की जांच करना और राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान, आर्थिक और सामाजिक योजना, पंचायती राज व्यवस्था, संसाधनों के बंटवारे और सभी चीज़ों की बात करता है। इस आयोग ने 273 सिफारिशें प्रस्तुत की थी और अपनी रिपोर्ट 3
30 मार्च 2010 को भारत सरकार को इन्होंने सौंपी थी। इस आधार पे